आज लगभग हर देश के पास अपना एक नेशनल फ्लैग है। जैसे दोस्तों हमारा नेशनल फ्लैग तिरंगा है, वैसे अगर किसी भी नेशनल फ्लैग को हम देखें, अगर हमारे देश का ही क्यों ना हो या फिर अमेरिका या फिर जापान, किसी भी देश का नेशनल फ्लैग हो, अगर हम उसे देखते हैं तो वो हमें एक नॉर्मल फ्लैग ही दिखता है, बट उसके पीछे छिपी होती है एक हिस्ट्री, एक मिस्ट्री, अपने देश के प्रति प्यार और बहुत सारे बलिदान। तो आज के इस वीडियो में हम आपको शेयर करने वाले हैं अपने झंडे के इतिहास के बारे में कि हमारे झंडे को बनाने के लिए कितने ज़्यादा मेहनत किए गए, कितने ज़्यादा प्रयास हुए, कैसे लोगों ने बलिदान दिए और कितना ज़्यादा परिश्रम करना पड़ा यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। August 15th, 1947, the great symbol of the British Empire came down for the last time to be replaced by the banner of the new Indian government. हमारी कहानी की शुरुआत होती है 1921 से, जब यहाँ पे महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस को अपने झंडे की बात करते हैं कि कांग्रेस को एक अपना झंडा यहाँ पे रखना चाहिए। यहाँ पे बात पे गौर करिएगा दोस्तों, नेशनल फ्लैग नहीं, यहाँ पे कांग्रेस के अपने झंडे की यहाँ पे बात करते हैं गांधी जी। लेकिन यहाँ पे अगर हमें नेशनल फ्लैग के बारे में जानना है तो हमें कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। 7 अगस्त 1906, यहाँ पे फर्स्ट बार इंडियन फ्लैग फहराया जाता है, जिसका कुछ डिजाइन इस तरीके का होता है। यहाँ पे ऊपर एक हरी पट्टी होती है, बीच में एक येलो पट्टी और नीचे के साइड केसरिया पट्टी होती है। लेकिन यहाँ पे आप गौर करिएगा, अगर हम यहाँ पे येलो को वाइट से रिप्लेस कर देते हैं तो ठीक हमारे तिरंगे जैसा ही डिज़ाइन बन जाएगा, लेकिन इसमें और भी चीज़ें ऐड करी गई थी, जिसमें पहले वाले हरी पट्टी में बहुत सारे कमल के फूल थे और नीचे वाले यहाँ पे केसरिया पट्टी में एक चंद्रमा, एक सूर्य और बीच वाले येलो पट्टी में वंदे मातरम लिखा हुआ है। यहाँ पे आप डिज़ाइन देख सकते हैं, पहले राष्ट्रीय ध्वज यहाँ पे नहीं कहूँगा, पहले हमारे भारतीय झंडे का डिज़ाइन कुछ यहाँ पे इस तरीके का। पहले डिजाइन से ही दोस्तों हमें इतना समझ में आ गया है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज बनने की प्रक्रिया यहीं से शुरू हो चुकी है। कलर के बारे में यहाँ पे आप क्या कहना चाहेंगे, पहले ही प्रयास में हमारे झंडे से दो कलर को चूज किया गया है, लेकिन इसके बाद भी झंडे के इतिहास को दोहराया जाता है और फिर से एक और झंडा यहाँ पे जारी किया जाता है। ये भी झंडा पहले वाले झंडे से काफी सिमिलर दिखाई देता है और इसमें दोस्तों भी बीच में येलो पट्टी, नीचे ग्रीन पट्टी, यहाँ पे पट्टियों को काफी उलट पलट कर दिया गया है। लेकिन पहले वाली पट्टी में यहाँ पे सूर्य का यहाँ पे लोगो देखने को मिलता है, नीचे वाले में यहाँ पे बड़ा सा एक सूर्य और एक चंद्रमा और बीच वाले येलो पट्टी में एक यहाँ पे वंदे मातरम लिखा हुआ दिख रहा है। यहाँ पे डिजाइन आप देख सकते हैं, ये है हमारे देश का द्वितीय झंडा, जिसको 1907 में मैडम कामा द्वारा यहाँ पे जारी किया गया था और उनके यहाँ पे पार्टियों द्वारा बनाया गया था। हमारे झंडे का इतिहास यहाँ पे ही नहीं रुकता है, कुछ और भी झंडे जारी किए गए हैं। तृतीय झंडा यहाँ पे 1917 में जारी किया जाता है और यहाँ पे इसमें भी दोस्तों कुछ अलग ही डिजाइन देखने को मिलता है और बहुत ही अलग देखने को मिलता है। लेकिन इस झंडे में दोस्तों पहले ही आपको यूनाइटेड किंगडम का यहाँ पे झंडा देखने को मिलेगा, साथ ही दोस्तों इसमें सप्तऋषि, चंद्रमा, सूर्य और बहुत सारे रेड और ग्रीन पट्टी भी देखने को मिल रहा है। इस भारतीय झंडे को लोकमान्य तिलक द्वारा घरेलू हिंसा के दौर में फहराया गया था और दोस्तों इसे भी हम भारतीय ही झंडा कहेंगे। झंडे का इतिहास यहीं पे नहीं रुकता है, और भी कई तरीके के झंडे बनाए जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा 1921 में विजयवाड़ा में एक ऐसा झंडा जारी किया जाता है जिसमें पहली बार धर्म के बारे में बात किया जाता है। इसके पहले वाले झंडे में कहीं पे भी धर्म के बारे में यहाँ पे नहीं जानकारी दी गई है, लेकिन ये पहला ऐसा झंडा था जिसमें धर्म को प्रदर्शित किया जाता है। नीचे वाली केसरिया पट्टी हिंदू धर्म, इसके बीच वाले यहाँ पे हरी पट्टी मुस्लिम धर्म और आप यहाँ पे सबसे ऊपरी वाली पट्टी अन्य धर्म, यानी कि व्हाइट कलर अन्य धर्मों के लिए यहाँ पे बताया जाता है और बीच में चलता हुआ चरखा देश के प्रगति को बताता है। लेकिन दोस्तों इसको यहाँ पे फुली पब्लिश नहीं किया गया था क्योंकि इस झंडे में बहुत सारी त्रुटियां भी, इस झंडे को सुधार करके कुछ ऐसा झंडा बनाया गया जो हमारे तिरंगे से काफी मैच कर देता है। यहाँ पे अगर हम चरखे के जगह पे एक चक्र लगा दे, ये झंडा दोस्तों कुछ अलग ही बन करके तैयार होता है और हमारे झंडे को एक स्वरूप देने वाला होता है। इस झंडे में ऊपर की तरफ केसरिया रंग, बीच में व्हाइट कलर और नीचे दोस्तों एक हरा रंग होता है। लेकिन इस झंडे का यहाँ पे उदाहरण दिया जाता है कि पहला रंग यहाँ पे हिंदू के लिए, हरा रंग मुस्लिम के लिए और बीच वाला अन्य धर्म के लिए, यानी कि इसके पहले वाले झंडा होता है उसी का यह एक सुधारात्मक रूप है, यानी सुधार करके कुछ ऐसा ही झंडा बनाया गया है। लेकिन भारत के इतिहास में एक नया मोड़ तब आता है जब 1931 में यहाँ पे कांग्रेस को
एक झंडा अडॉप्ट करने की बात की जाती है। कांग्रेस द्वारा इसी नए झंडे को यहाँ पे अडॉप्ट तो कर लिया जाता, लेकिन अभी तक भी इस झंडे को राष्ट्रीय दर्जा नहीं दिया जाता है। इस झंडे में यहाँ पे कुछ सुधार किए जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा चरखे को हटाया जाता है और अशोक चक्र लगाया जाता है। एक और नया भारत का झंडा बन करके तैयार हो जाता है जो अभी तक चलते आ रहा है। इस नए झंडे का यहाँ पे पूरा अनुवाद ही बदल जाता है और फिर से इस झंडे का यहाँ पे अनुवाद किया जाता है। इसका हरा रंग यहाँ पे धरती का प्रतीक होता है, धरती के अंगड़ाई का, धरती के हरियाली का। सफेद रंग शांति और चक्र यहाँ पे गति का, और यहाँ सरिया रंग भारत के वीरता और वीरों का यहाँ पे प्रतीक बताया जाता है। तो यहाँ तक तो हमारा झंडा बन करके तैयार हो गया है, और यहाँ तक हमारे देश के राष्ट्रीय झंडे को भी एक्सेप्ट कर लिया गया है हमारे इस तिरंगा के रूप में। लेकिन अभी तक भी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। यहाँ पे झंडे को सम्मान में यहाँ पे ध्वज संहिता लागू किया जाता है, और झंडे के लिए बहुत सारे नियम बनाए जाते हैं कि हमारे झंडे को बहुत ही कम जगह फहराया जाता था स्टार्ट में, जैसे राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, और उसमें भी बहुत सारे ऐसे रूल्स रेगुलेशन लागू किए गए थे। साथ ही अगर ये झंडा किसी दूसरे देश के साथ खड़ा हो रहा है तो सबसे ऊपर हमारा ही झंडा होगा। अगर यहाँ पे किसी पार्टी के साथ हमारा झंडा यहाँ पे जुड़ रहा है, हमारा राष्ट्रीय झंडा तिरंगा, तो यहाँ पे हमारा झंडा सबसे ऊपर होगा। बहुत सारे झंडे को लेकर के रूल्स बनाए गए, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे एक चीज़ें बाकी हो रही थी। हम अपने इस राष्ट्रीय झंडे को अपने घर पे नहीं फहरा पा रहे थे, और लोगों को भी ये बात खटकती थी कि हम अपना राष्ट्रीय झंडा हम अपने घरों में नहीं फहरा सकते, हम अपने स्कूल विद्यालय वगैरह में नहीं फहरा सकते। और लोगों को ऐसा लगता था कि हमारा राष्ट्रीय झंडा है तो हमें अपने घरों में भी फहराना चाहिए, हम अपने देश के प्रति गौरवान्वित महसूस करने के लिए हम अपने स्कूल में भी फहराएं। इतने मुश्किलों से हमारे देश को आज़ादी मिला है, और आज़ादी के प्रतीक इस झंडे को हम क्यों ना अपने देश के गौरव के लिए फहराएं। तो यहाँ पे दोस्तों 2002 में यहाँ पे ध्वज संहिता में यहाँ पे एक संशोधन किया जाता है, और एक यहाँ पे रूल पारित किया जाता है कि अब आप यहाँ पे इस झंडे को, राष्ट्रीय झंडे को, तिरंगे को आप अपने घरों में कभी भी फहरा सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि आप सूर्योदय में ही फहराएं, सूर्यास्त में निकाल दें। लेकिन ये नियम सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए था। भारत के नागरिक अपने इस झंडे को अपने देश के लिए कहीं भी फहरा सकते हैं। ये अनुमति तो हमारे देश के नागरिकों को अभी तक मिल चुकी थी, तब जाके दोस्तों हम अपने इस राष्ट्रीय ध्वज को आज कभी भी फहरा लेते हैं। किसी भी राष्ट्रीय त्यौहार में अपने झंडे को सबसे ऊपर रखते हैं और अपने देश को यहाँ पे सम्मान देते हैं। देखा आपने दोस्तों कितना ज़्यादा मेहनत किया गया हमारे इस राष्ट्रीय ध्वज को पाने के लिए। कितने लोगों ने बलिदान दिए, कितने लोगों ने सम्मान दिए, कितने लोगों ने कितना परिश्रम किया, तब जाके दोस्तों आज हमारा ये राष्ट्रीय ध्वज इस तरीके से लहरा रहा है, इस तरीके से फहर रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।